ओम श्री साई राम। साई सच्चरित्र महापारायण के सभी प्यारे साई भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा की असीम कृपा अनुमति और आज्ञा से चलिए आज हम चलते हैं बाबा के एक सुंदर बगीचे में। दैट मीन्स साई सच्चरित्र में ये बाबा का बहुत ही प्यारा सुंदर बगीचा है जहाँ पे 51 कल्पत्रु वृक्ष हैं। दैट मीन्स 51 चैप्टर्स जो हैं ये कल्पत्रु वृक्ष के समान इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे बैठने से, इन वृक्षों के नीचे अगर कोई सच्चे मन से एकदम श्रद्धा से शुद्धता से इसके नीचे बैठता है, इसकी छत्र छाया लेता है, तो उसे उसे महसूस होगा कि उसके जीवन में एक प्यारी सुगंध, मीठी सुगंध बाबा की भक्ति की, उनके बाबा के प्रेम की सुगंध उसको महसूस होगी। तो एक एक चैप्टर हर हफ्ते हम इसका जो अमृत सार है, जैसे कहूँ कि अमृत की वर्षा वृक्ष के नीचे बैठ के होती है, ऐसे पढ़ने से भी जो अमृत सार इसका निकलता है और इसको ग्रहण करने से, इसको अपने जीवन में अमल करने से हमारा जीवन भी मीठा और खुशियों भरा सुगंधित बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको केवल और केवल श्रद्धा और विश्वास से इसको पढ़ते रहना है, सुनते रहना, श्रवण करने से भी समस्त पाप नष्ट होते हैं। तो पहले चैप्टर में हमने भक्तों देखा था कि बाबा ने एक सुंदर स्माइल के साथ हमें जैसे कहें वेलकम करके सभी को अपने हृदय से लगाया, और सेकेंड चैप्टर में बाबा अपने भक्तों का नाम जैसे अपने साथ जोड़ करके, जैसे ढाबोलकर जी का नाम बाबा ने अपने साथ जोड़ करके उनको अमर कर दिया उनके नाम को, और थर्ड चैप्टर में देखेंगे कि बाबा परमिशन दे रहे हैं उनको ग्रंथ लिखने की। तो इसी प्रकार हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि बाबा ये हम कार्य शुरू करने वाले हैं, घर में हो चाहे ऑफिस में हो, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सच्चे मन से ये चैप्टर, थर्ड चैप्टर को पढ़ें और प्रार्थना करें कि बाबा जैसे आपने हेमापंड जी को परमिशन दी और उनका कार्य निर्विघ्न समाप्त हुआ, सफल हुआ, उनको यश कीर्ति सब कुछ मिला, ऐसे ही हमें भी अपना कार्य करने के लिए परमिशन दें और अपनी कृपा दृष्टि हमारे कार्य के ऊपर बनाए रखें। तो दिस चैप्टर इज सो ब्यूटीफुल बिकॉज बाबा इसमें अपने अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, भक्तों अपना ही जैसे कहें परिचय देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं जो मेरे ऊपर ध्यान करता है, जो मेडिटेट्स ऑन मी ऑन माय फॉर्म, आई गिव हिम व्हाट ही लैक्स एंड प्रिजर्व व्हाट ही हैज़। तो ऐसे ही बाबा ने भी ये कहा है कि जो मेरा नाम स्मरण करता है, साईं साईं, केवल साईं साईं का नाम उच्चारण मात्र से ही सभी पाप नष्ट होते हैं और समस्त इच्छा पूर्ण होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि हमारे पारायण की फल श्रुति भी इसमें है। इसका द रीडिंग ऑफ बेनिफिट्स इज वेरी क्लियरली गिवन इन दिस एंड बाबा इज इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट ही इज बाबा एक माँ की तरह मातृ प्रेम जो पैराग्राफ है वहाँ उसको पढ़ने से हमें डेफिनेटली ये महसूस होगा कि बाबा हमारे माता पिता सब कुछ ही तो हैं। और कई बार लोग पूछते हैं कि पारायण कैसे करें, इसकी विधि क्या है, तो उसका आंसर एक ही आंसर है, बड़ा सिंपल, कि विधि से नहीं, एक विश्वास के साथ पढ़ें। क्या हमें अपने माता पिता से प्रेम करने के लिए कोई विधि चाहिए होती है? क्या हम अपने ही जो प्राणों से भी प्रिय बाबा सतगुरु साईनाथ हैं उनको प्रेम भक्ति और अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए हमें कोई विधि की ज़रूरत नहीं, एक ही सामग्री की ज़रूरत है कि प्रगाढ़ प्रीति हो, अटूट विश्वास हो। ऐसी सामग्री के साथ अगर हम पारायण करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट जो होता है वो सक्सेसफुल होता है और हमारे उन्नति, आध्यात्मिक रास्ते में उन्नति और सांसारिक रास्ते में भी उन्नति ही, उन दोनों तरफ से ही उन्नति बाबा प्रदान करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी भक्तों की, सभी जगह बाबा का प्रचार हो रहा है, पूरे संसार में, पूरे विश्व, भारत में, देश विदेश में, सभी जगह बाबा का प्रचार, साईं स्मरण, साईं संध्या, कीर्तन, नाम स्मरण, सभी पारायण चल रहा है। तो अगर कोई हमें पूछे कि अपने गुरु की एक टीचिंग्स अब ऐसे बताओ जिसको आपने अपनाया है, तो हम लोग कई बार सोचने लगते हैं कि कौन सी ऐसी टीचिंग्स हैं। तो इतनी टीचिंग्स में से ये चैप्टर इज फुल ऑफ बाबा शिक्षा, ज्ञान, वचन जो हैं, उसमें से एक अगर सेलेक्ट करके हमें अपने पास रखनी है, उसको मतलब टोटली इम्प्लाई करना है, तो उसका मैं अपना जो शेयर करना चाहती हूँ वो यही है कि बाबा ने कहा है जैसे कि निर्भय होकर के कर्तव्य का पालन करते रहो और सब कुछ मेरे ऊपर ही छोड़ दो। ये बहुत, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इन लाइफ। निर्भय होकर के अपना कर्तव्यों का पालन करते रहो, जो भी ड्यूटी हमें दी गई है वो परमात्मा की तरफ से ही हमें बाबा ने सेवा सौंपी हुई है, उसका पालन करो और भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वाई फियर व्हेन आई एम देयर, साइंस इज। तो इसीलिए ये एक वचन हमें याद रखना है। और अगर कोई पूछे, टीचिंग्स तो अनेक हैं लेकिन एक टीचिंग्स को ही अगर हम एक्चुअली इम्प्लाई करते हैं सिंसियरली, ऑनेस्टली, तो बाकी सभी भी हम उसके पीछे पीछे ही हमारी लाइफ में आ जाएंगी। तो निर्भय होकर के कार्य करें और उसका फल की इच्छा ना करें, जैसे कृष्ण भगवान जी ने भी ये कहा है, अपने कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। एंड बाबा ही गिव्स अस मोर देन वी डिजर्व,
There's no doubt in that. ही अपनी झोली में से निकाल कर भी अपने भक्तों की झोलियाँ भरते हैं. तो इसीलिए निर्भय हो जाएं और टोटली अपने काम पे ऊपर फोकस करें. अगर देखिए हमारा काम, जैसे कहें कि जॉब में कुछ अनसेटिस्फैक्शन है या बिजनेस नहीं हो रहा है, तो ये सोचें कि ये बाबा की मर्ज़ी से है, मुझे इसी में ही अपना मन लगा करके लगन से इसी को ही करना है, तो डेफिनेटली बाबा भी उनकी कृपा दृष्टि तो है हमारे ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं. तो ही विल डेफिनेटली मेक इट सक्सेसफुल. हमें पेशेंस के साथ अपना ये जो है कार्य करते रहना चाहिए, जो भी सेवा सौंपी है. वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर ही इज़ गिवन अस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. तो ये पारायण करते रहें. और कई लोग पूछते हैं कि कैसे करें, अगर स्नान करने से पहले, स्नान करने पर ऑल दैट इज़ देयर. तो ये इसका आंसर एक ही है कि स्नान करना है कि तो मन की शुद्धता का स्नान करें. मन में पवित्रता हो तो बॉडी तो डेफिनेटली क्लीन करते हैं, प्लस मन की शुद्धता इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग. सो मन खुश हो और आत्मा प्रसन्न हो, प्रसन्नता के साथ और शांति के साथ पारायण करने से ही इसका लाभ होता है. ओके, तो मातृ प्रेम में यही मैं कहना चाहूँगी कि अगर फूल की खुशबू है तो किसी से पूछ के तो नहीं देती है. फूल की खुशबू तो फैलती है, सभी के लिए एक जैसी होती है. तो ऐसे ही हमें भी अपनी अंदर की जो भक्ति है वो परमात्मा सतगुरु के लिए ही नहीं, सभी के लिए करनी है. बाबा कहते समस्त प्राणियों में मेरा वास है, सभी से प्रेम करो तो भी बाबा भी प्रसन्न होते हैं. तो केवल हम बाबा को ही पूछते रहते हैं. बाबा कहते हैं मेरा विराट स्वरूप देखो, मैं सभी के अंदर हूँ. इवन कोई जानवर है, पशु पक्षी, एनीथिंग, वॉट एवर बाबा ड्यूटीज हैं, घर के सदस्य हैं, सभी के साथ एक जैसा प्रेम करने से ही बाबा भी प्रसन्न होते हैं. जैसे सूर्य की किरणें सभी जगह एक जैसी ही फैलती हैं. तो एक और रोहिला की कथा में हम यही जस्ट निकलता है कि बाबा उनके मन की व्यथा जान गए थे, उनके अंदर के जो कुविचार उनको तंग कर रहे थे, तभी वो चिल्ला रहे थे. तो ऐसे उन्होंने, बाबा ने ही उनको शांत किया. तो कहने का मतलब ये कि अगर हम अपने अंदर की जो मन की व्यथा है, अगर कोई दुख है, कष्ट है, उसको दूर करने के लिए ये साईं लीला का सहारा लें. अपने आप को भी ट्रेनिंग दें कि बाबा हैं हमारे साथ, वही सब कुछ ठीक करने वाले हैं. प्लस ये साईं सच्चरित्र की जो लीला है, इनका श्रवण करने से डेफिनेटली वो धीरे धीरे अपने आप कम होते जाते हैं, कष्ट अपने आप दूर होते जाते हैं. एक विश्वास के साथ बस हमें पढ़ना है. और लास्ट पैराग्राफ में बाबा ने कहा है, जो तुम कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कोई भी कार्य करो, एक बात सदैव याद रखो कि मैं सदैव आपके साथ हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आपके साथ साथ चल रहा हूँ. तो ऐसे हमारे अंदर दिल की धड़कने जो हैं, जो चल रहे हैं, उसके साथ साथ साईं 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 का भी स्मरण चलता रहे, तो डेफिनेटली देर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन द लाइफ. और ऐसे लगेगा कि हम बाबा के बगीचे में बैठ करके फ्रेश एयर जो है, फ्रेश ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहे हैं. जैसे फलों की, फूलों की सुगंध आती है, ऐसे हमारे जीवन में भी बाबा के नाम की भक्ति ऐसे ही सुगंध लाएगी और कोई भी कष्ट हमें छू भी नहीं सकेगा. तो थर्ड चैप्टर इज फॉर दोज पीपल हु आर गोइंग टू बिगिन एनी न्यू वर्क, एंड बाबा विल गिव अस, ही विल डेफिनेटली गिव द परमिशन एंड मेक द वर्क सक्सेसफुल. इसमें कोई डाउट नहीं है. बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय. तो बिफोर अ वाइंड अप, आई वुड लाइक टू से, इफ़ यू वांट टू गो दिस चैप्टर, अगर डिटेल में इसको समझना चाहते हैं, तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड लिसन टू अ सत्संग विच इज़ फॉर वन आवर, वी हैव बीन, इट्स बीन रिकॉर्डेड, इफ यू वांट टू गो इन डिटेल द सेम चैप्टर. और ये छोटा जो इंट्रोडक्शन है वो हम एवरी वीक 5 मिनट्स का वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे. सो स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी, एंड प्रसन्नता के साथ, शांति के साथ जीवन जिए. और बाबा को कहते रहें कि बाबा हम प्रसन्न हैं आपकी छत्र छाया में, हमें कोई ऐसे कोई डाउट नहीं है और कोई परेशानी भी नहीं है. सो बी हैप्पी एंड मेक बाबा ऑल्सो हैप्पी. ओम श्री साई राम.